Hi everybody, this is Vivek and welcome to Hills to Hike. So let's explore Rishikesh with me. Welcome to this vlog again. आ रहा वहाँ पे बारिश से भरी है एकदम. अच्छा पहाड़ों पे बीच आपको ऋषिकेश में देखने को मिल जाएंगे. It's really amazing. रामदुल्ला की साइड है, रामदुल्ला उस तरफ जाना है. थैंक यू. गुड मॉर्निंग अगेन. तो आज दूसरा दिन है ऋषिकेश की. सुबह सुबह मैं निकल चुका हूँ यहाँ से नीलकंठ महादेव की तरफ. तो नीलकंठ महादेव यहाँ पे शिव जी का एक बहुत ही पॉपुलर मंदिर है. मुझे तो एक्चुअली यहाँ आने के बाद पता चला कि नीलकंठ महादेव यहाँ पे बहुत सारे लोग जाते हैं. तो ऋषिकेश से इसकी डिस्टेंस है लगभग 30 से 35 किलोमीटर और अभी हम वहाँ को निकल चुके हैं. तो ये जो ब्रिज आप देख रहे हैं ये ब्रिज है नीलकंठ ब्रिज इसको कहते हैं. और ऋषिकेश से बद्रीनाथ हाईवे है जहाँ पर हम कल गए थे. तो वहाँ से राइट साइड को नीचे को ये रोड कट जाती है जिसमें आता है ब्रिज. नीचे लोग इन्जॉय भी कर रहे हैं नदी में. ऋषिकेश में इसी रूट में भी और ऊपर भी जो कदम वाटरफॉल देख रहे थे यहाँ पे छोटी छोटी हाइक करने को बहुत कुछ है. यहाँ पे 3 से 4 वाटरफॉल मिल जाएंगे अलग अलग नाम से. बट तो मौसम है काफ़ी खुला हुआ, आज धूप निकली है. तो चलते हैं, हम बढ़ते हैं आगे को. अब तो फ्रेंड्स हो गए यहाँ से पहाड़ वाला रास्ता स्टार्ट और अब चढ़ाई है. बगल में गंगा बह रही है और काफ़ी अच्छे नज़ारे हैं इधर भी. तो यहाँ से लगभग 18 किलोमीटर बता रहे हैं नीलकंठ, 16 किलोमीटर लिखा हुआ है. तो चलते हैं आगे को पहाड़ों की चढ़ाई पे. आगे अभी देख रहे होंगे आप बोर्ड लगा हुआ है, दैट इज पटना वाटरफॉल. यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर ऊपर बता रहे हैं, जैसे कि मैं बता रहा था ऋषिकेश के आसपास छोटे मोटे हाइक वाले वाटरफॉल बहुत सारे हैं. गाड़ियाँ मेरे आसपास बहुत देख सकते हो और ऊपर को जा रहा है पटना वाटरफॉल. तो प्रोबेबली हम आते टाइम यहाँ पे चलेंगे. तो अभी बढ़ते हैं हम आगे को सीधे. वेल यहाँ की रोडें भी थोड़ी ख़तरनाक सी दिख रही हैं. नीचे गंगा नदी बह रही है और रोड काफ़ी पतली है इधर. तो रोड काफ़ी पतली है तो संभल के चलाना पड़ रहा है. और ट्रैफिक भी थोड़ा बहुत है ही क्योंकि पॉपुलर डेस्टिनेशन है. तो यहाँ पे एक मैं कहूँगा छोटा हरिद्वार बना रखा है. यहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ है, दैट वाज कम्प्लीटली अनएक्सपेक्टेड. और मंदिर आ गए सामने. वेल इट फील्स लाइक मैं किसी छोटे शहर में घुस गया हूँ, शहर की गलियों में. यहाँ पे कोई गांव भी है ऊपर और यहाँ पे स्कूल के बच्चे भी आते हुए दिखाई दे रहे हैं भाई. यहाँ पे इतनी भीड़ है मतलब आधे किलोमीटर की लाइन लगी हुई है. वेल इस मंदिर को देख के मुझे छोटा गिलास याद आ गया जो हल्द्वानी के पास में मैं गया था. लेकिन वहाँ पर उस टाइम तो मेला लगा हुआ था. तो यहाँ पे जब मेला लग गया तो यहाँ का क्या हाल होगा. फ्रेंड्स बात करी जाए इस मंदिर की तो नीलकंठ, आपने शिव जी की विष पीने वाली स्टोरी ज़रूर सुनी होगी जहाँ पे शिव जी समुद्र मंथन होता है और विष पी जाते हैं. ऐसा आपने टीवी में देखा होगा या पढ़ा होगा. तो वही जब वो विष पीते हैं तो उनका गला बोलते हैं कि नीला हो गया था, है ना. तो उसी वजह से इसका नाम आप देखो, द नेम इज़ नीलकंठ. तो नीला कंठ इस वजह से ये है. और कहते हैं कि यहाँ पे 2 नदियाँ हैं, नीचे उनका संगम होता है, वो नदियाँ मिलती हैं, वहाँ पे उनने वो पिया था और वहाँ पे उनने तपस्या करी थी उसके बाद. तो यहाँ पे ये मंदिर है. और इनफैक्ट मुझे तो ज़्यादा पता था नहीं बट यहाँ पे बहुत भीड़ है, मतलब लोग बहुत आस्था के साथ बड़े दूर दूर से आ रहे हैं. तो ऋषिकेश से एक रास्ता इसका पैदल भी आता है जो कि 10-12 किलोमीटर के आसपास होना चाहिए. क्योंकि अगर बात करी जाए तो ऋषिकेश के लक्ष्मण झूला से अगर ऊपर को चढ़ा जाए पहाड़ में तो उस पहाड़ में पीछे की तरफ ये मंदिर पड़ जाएगा. मैं तो बाई रोड आया हूँ यहाँ पे, तो वो भी एक अच्छा ऑप्शन रहेगा. अभी मेरे पे टाइम नहीं था, नहीं तो मैं उसे ज़रूर ट्राई करता, बड़ा मज़ा आता. और
ऐसा नहीं है कि सुनसान, मुझे लगा था जंगल में मंदिर होगा, बट यहाँ पे इतनी भीड़ है। इनफैक्ट पैदल आने वालों की इतनी भीड़ है कि नीचे से सुबह सुबह लोग लग जाते हैं 5-6 बजे, और अभी पहुँच रहे हैं यहाँ पे। तो दैट इज़ इम्प्रेसिव। और यार पार्वती माता से प्रसिद्धि चले जाओ, जल मिल गोपा से फिर आगे चले जाओ तो झंडे वाले की छोटी सी गोपा, ऊपर दादा का रेस्टोरेंट, बड़ा ही दादा का रेस्टोरेंट है, और बस पास में घूम गया, वो सामने दिख रहा है आपको गणेश गोपा। और ऋषिकेश से जो आता है ना, कितना टाइम लग जाता है पैदल? हाँ पैदल अगर कोई आता है 2 घंटा में तो हम आ जाते हैं, 3 घंटा लग जाता है, टहलते हैं। अच्छा है, पैदल आने में ज़्यादा मज़ा है, मज़ा है, आनंद है प्रकृति का पूरा। यहाँ से ऊपर को भी 4 किलोमीटर में पड़ता है एक झिलमिल गुफाएं हैं और एक पार्वती मंदिर और है। तो यहाँ से ऊपर को जाते हैं ट्रैकिंग करके। अभी तो फिलहाल मैं जा रहा हूँ वापस, क्योंकि अपनी शाम की ट्रेन है। कभी और ये सब भी प्लान करेंगे ऋषिकेश से यहाँ पैदल, जिसमें कि 9 किलोमीटर के करीब होगा रास्ता। तो आप कभी भी ऐसी जगहों पर आते हैं तो यहाँ पर आपको बहुत सारे स्कैम्स भी देखने को मिलेंगे हर एक जगह पर। हरिद्वार जैसे यहाँ पर इतनी पार्किंग बना रखी है, अब कोई भी माहौल ऐसा बनाया हुआ है कि ये यहाँ की ऑफिशियल पार्किंग है गवर्नमेंट, बट दे आर सेइंग कि पार्किंग फ्री है, यू हैव टू बाई सब प्रसाद एंड ऑल, ठीक है। तो यहाँ पे प्रसाद मतलब लेना ही लेना है एक तरह से, एंड दे आर सेइंग कि आ जाओ पार्किंग में पार्क करो। और दूसरी चीज़, आपको हर एक कदम पे जो भी दुकानें हैं उनने बाहर से रखी हुई है पेटियाँ, जिसमें दे आर सेइंग कि आप जूते उतारो, आगे मंदिर है, बट मंदिर की एक ऑफिशियल जूता स्टैंड भी होता है, राइट। तो जो शॉपकीपर्स आपको दिखेंगे तो उन्होंने जूता स्टैंड बनाया, तो वो भी ये कहते हैं कि यहाँ से आप प्रसाद लेना पड़ेगा, जूते खोल दो। दे प्रिटेंड कि आगे जूता स्टैंड है ही नहीं, ठीक है, यहाँ पे उतारने ही उतारने हैं, और लोगों को लगता भी ऐसा, हू नोज, पहली बार आ रहे हैं, राइट। तो अभी चलते हैं हम यहाँ से वापस, उस वाटरफॉल में रुकेंगे थोड़ा सा, दैट वॉज पटना वाटरफॉल, फिर हम निकलेंगे ऋषिकेश की तरफ। तो फ्रेंड्स आ गए हम पटना वाटरफॉल की तरफ। अब इसका नाम पटना क्यों है वो मुझे नहीं पता, आई ट्राई टू फाइंड इट आउट। वैसे तो हम यहाँ से ऊपर जो कि बताया गया था आते टाइम 1 किलोमीटर का हाइक है ऊपर से, बड़ा अच्छा सा लग रहा है, भीड़ काफ़ी है क्योंकि ऋषिकेश के आसपास है, तो डेफिनेटली काफ़ी पॉपुलर डेस्टिनेशन हो गई अब तो, आगे बहुत सारे लोग जाते हुए। वैसे इन्हें नीर वाटरफॉल बंद करा गया था मानसूनस के टाइम पर, लेकिन यहाँ पर सारे वाटरफॉल्स खुले हुए हैं, यहाँ पे हो गया, उसके आगे जो एक आध छोटे वाटरफॉल्स हैं वो भी, तो ये सारे ओपन है, अभी लोग आ रहे हैं, काफ़ी गाड़ियाँ खड़ी थी नीचे। तो अब इन्जॉय करते हैं थोड़ी देर इस ट्रेल को और पहुँचते हैं 1 किलोमीटर ऊपर। वैसे फ्रेंड्स आई एम ऑन अ सोलो ट्रिप, तो सोलो ट्रिप पे वैसे मैं भी इस जगह नहीं आता, जंगल के बीचों बीच अकेले, और मैं आपको भी रिकमेंड करूँगा कि आपको अकेले नहीं जाना चाहिए, राइट। बट यहाँ पे ऐसा है कि पूरा रास्ता एकदम बिजी है, जंगल का भी काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, तो इस वजह से कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो मैं आया जा रहा हूँ भाई लोगों के साथ, ठीक है भाई, बना रहे हमें फ्रेंड्स में होके आ गया हूँ वो छोटा सा वाटरफॉल, दैट इज पटना वाटरफॉल नाम से है। तो पटना वैसे इसका नाम इसलिए, यहाँ पे गांव है पटना नाम का, तो उस वजह से इसका नाम है पटना वाटरफॉल। वैसे वाटरफॉल है नहीं, मतलब 2-4 धाराएं आ रही है नीचे को, और लोग उसमें ही चल चल के काफ़ी इंजॉय करते हैं ऊपर को, तो वो चीज़ सोच के मैं गया था, भीड़ देख के गया था, तो वो चीज़ मुझे वहाँ पे नहीं देखी पड़ी, क्योंकि वाटरफॉल बोले तो वाटरफॉल आते ना ऊपर से काफ़ी, तो ऐसा वगैरह कुछ है नहीं वहाँ पे, बिल्कुल इतनी इतनी अपनी हाइट जितनी धारा है नीचे को, उसमें लोग ऊपर चढ़ चढ़ के इंजॉय करते हैं जो जितना जा सकता है। तो यही है पटना वाटरफॉल। तो वहाँ से मैं नीचे आ गया, आई एम हैविंग टी नाउ, तो यहाँ पर टी और कुछ स्नैक्स लेते हैं, फिर बढ़ते हैं अब ऋषिकेश की तरफ। आई एम हैविंग माई मैगी, तो दैट्स द व्यू इन फ्रंट ऑफ मी, नीचे गंगा रिवर है,
वेल होता ही है कि अगर एक दो आदमी यहाँ पे आ गए, और क्योंकि टूरिस्ट हैं एक्चुअली हमारे पहाड़ी, तो मुझे उतना कुछ खास लगा नहीं, बट बाहर से जो लोग आते हैं प्लेन से, तो उनके लिए काफ़ी जगह अच्छी जगह हो जाती है एक तरह से, ऊपर को चढ़ना पत्थरों में, पानी आ रहा है नीचे को, तो गीले हो रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, तो उस वजह से ये काफ़ी पॉपुलर हो गया जगह। जैसे बता रहा था काफ़ी ज़्यादा भीड़ है इधर, देख सकते हो चारों तरफ। और ये जो ये सारे एरिया है जितने भी यहाँ पे वाटरफॉल्स हैं, नीर वाटरफॉल्स और ये पटना और जो भी छोटे मोटे वाटरफॉल्स हैं, सारा एरिया आता है राजा जी नेशनल पार्क के अंदर। राजा जी नेशनल पार्क आपको पता होगा वो हरिद्वार से स्टार्ट हो जाता है, यहाँ पूरा एरिया उसी के अंदर में आता है, तो काफ़ी घना जंगल है उसका। और उसके बाद ये सुंदर नज़ारे इंजॉय करते हुए मैं चले गया ऋषिकेश के सिटी सेंटर, जिसके पास यहाँ का फेमस त्रिवेणी घाट भी पड़ता है। तो आ गया हूँ मैं ऋषिकेश के त्रिवेणी घाट पे। तो हरिद्वार की तरफ बताया गया कि यहाँ पे भी शाम को आरती होती है किसी टाइम पे, बट सेम है आते वक्त, सेम मार्केट, सेम सब कुछ, बट भीड़ उससे बहुत कम। तो यहाँ पे शायद लोग उतना नहीं आते जहाँ तक समझ में आ रहा है, बट व्हेन आई वाज चेकिंग फॉर ऋषिकेश टूरिस्ट प्लेसेस, तो फिर उसमें ये जगह पे हर जगह पे मेंशन करा गया था। तो नाउ आई एम हेयर, अभी यहाँ पे आरती विटनेस करते हैं तो थकान दूर करते हैं, उसके बाद निकलते हैं हम वापस हल्द्वानी के। तो वाइब सारी सेम है, घाट है, साइड में रेत है, लोग खड़े हैं, कुछ लोग नहा रहे हैं, फर्क सिर्फ इतना है यहाँ पे गंगा में दूसरे साइड पहाड़ है। अभी मैं यहाँ पे एक रास्ते में वॉक कर रहा हूँ, तो रिवर गंगा के अलोंग साइड पे ये रास्ता बना हुआ है, लोग यहाँ पे शाम को वॉक कर रहे हैं और बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। तो यहाँ पे बीच वाली फीलिंग है, लोग बैठे हुए हैं गंगा किनारे शांति में, पानी की आवाज़ में, कोई ध्यान लगा के बैठा हुआ है, कोई अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बैठा हुआ है, सबके अलग अलग मोटिव है यहाँ पे दिख रहे हैं। काफ़ी ठंडी सी हवा चल रही है, मतलब मज़ा आ रहा है बहुत, जो थकान है ना उसके लिए बहुत ही रिलैक्सिंग लग रहा है अभी, सच में अभी मेरा यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा है, बट एनी हाउ आई हैव टू लीव टू हरिद्वार, क्योंकि वहाँ से मेरी ट्रेन है अभी रात की हल्द्वानी के लिए। तो आई होप ये जगह आपको पसंद आई होगी, सो इफ सो गिव इट अ थम्स अप, और अगर आप यहाँ पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल टू स्टे कनेक्टेड विद मी। तो मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, अगली जगह में, तो तब तक के लिए हैव अ नाइस टाइम। Yeah.